welcome to our new video. In this video, we are talking about the BA program and BCom program's new book, English Language Through Literature's Poem, Once Upon a Time. Once Upon a Time was written by Gabriel Okara, who was a Nigerian born, and he was born on 1921 and died in 2019. Before we proceed further with the video, I would like to tell you that please like and subscribe our channel to get more videos like this, and also watch this video completely till the end so you can get the understanding of it completely. Okay, let's start with the video. First, we'll go with the theme. The poem talks about how society changes with time. So, इस poem की जो theme है वो ये है कि जैसे कि हमारे parents, हमारे grandparents हमें कहते हैं कि हमारे पुराने time पे ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, अब वैसा नहीं है. Same वही बात, सारी बातें हैं इस poem में. The poem talks about how society changes with time, cultural shifts we see, capitalism value changes too. So, कहते हैं टाइम के साथ साथ कैसे सोसाइटी चेंज होती जाती है, जो कल्चरल डिफरेंस आता जाता है, कुछ रीति रिवाज जो पहले होते थे वो अब नहीं होते. कैपिटलिज्म इन द सेंस लाइक मनी मोनेटाइजेशन के अकॉर्डिंग, राइट, पहले जो महंगाई कम होती थी, सस्ती चीजें मिलती थी, अब महंगी मिलती है. वैल्यू चेंजेस लाइक लोगों में आदर सद्भाव की भावना होती थी वो अब नहीं होती है. सो इस तरह की सारी चेंजेस जो है टाइम के साथ आती है. इन द पोएम द मैन प्रेज्यूमेबली अ फादर, इस पोएम में जो आदमी है, जो नरेटर है, जो पोएट है, वो एक्चुअली एक फादर है. एंड ही एड्रेसेस द सन, और वो अपने सन से बात कर रहा है. टेलिंग हिम इन अ रादर नॉस्टैल्जिक मैनर हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, वो उसे बता रहा है अपनी पुरानी यादों को, ताजा पुरानी बातों को सोच के कि लाइक पहले चीजें कैसी होती थी. नॉस्टैल्जिक मींस पुरानी यादों को सोचना. क्या पीपल वर डिफरेंट बैक देन, मोर जेन्युइन इट सीम्ड, एंड दैट इज व्हाट द स्पीकर वुड लाइक टू डू नाउ, to return to a stored world if he can only learn from the youngster. So पहले जो है लोग जो है different हुआ करते थे और बहुत genuine भी हुआ करते थे, लोगों में जो है सच्चाई होती थी, दिखती थी, और जो है अब के time पे वैसा नहीं है. And that is what speaker would like to do now. So और जो है अब वो क्योंकि जो है वो father जो है अपने जो अपने बेटे से बता रहा है, वो चाहता है कि मैं वापस उस जमाने में जो है उस जमाने के लोगों की तरह बन जाऊं या पहले की तरह हो जाऊं जैसे वो होता था. और साथ ही साथ वो अपने बेटे को भी, अपने यंगस्टर से भी वो यही अपील करता है कि तुम भी उनसे कुछ सीखो. ये थी इस पोएम की थीम. लेट्स प्रोसीडिंग विद द स्टैंजास. फर्स्ट स्टैंजा सेज, वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज. यहाँ पे फादर जो अपने बेटे से कह रहा है कि एक बार की बात है जब लोग हंसते थे तो अपने दिल से हंसते थे, उनकी आंखों में चमक होती थी जब वो हंसते थे. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, With their eyes block cold eyes, search behind my shadow. वो कह रहे हैं लेकिन अब के टाइम पे लोग हंसते हैं तो बस उनके बस लाइक दांत देखते हैं हंसते हुए, जबकि उनकी आंखों से पता चलता है कि वो जो आंखों जो ठंडी और कोल्ड आंखें, पता चलता है कि उन आंखों में जो सच्चाई नहीं है, उनकी हंसी में कोई सच्चाई नहीं है. इसके लिए तुम मेरे पास देखो, मीन्स सर्च बिहाइंड माई शेडो, मेरा पास देखो कि जो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था. ये इस पहले स्टांजा में उन्होंने लाफ के ऊपर, हंसी के ऊपर बताया मेनली. सेकेंड स्टांजा, देयर वॉज अ टाइम इन डी they used to shake hands with their hearts, but that's gone son. वो कह रहा है कि like एक time ये भी हुआ करता था, definitely indeed वास्तव में, कि जब लोग जो है हाथ मिलाते थे तो भी उनके दिल मिलते थे, यानी वो दिल से हाथ मिलाते थे, गर्मजोशी से हाथ मिलाते थे, लेकिन वो अब टाइम चला गया है बेटे. Now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. Now अब के टाइम पे क्या है, लोग हाथ तो मिलाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई ना कोई पर्पज रहता है, मतलब खोल रहता है, मतलब ही वे में हाथ मिलाते हैं, क्योंकि एम्प्टी पॉकेट मीन्स जो दूसरे की पॉकेट्स में कुछ ना कुछ मतलब रहता है, तो कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं. सो दैट दूसरे स्टांजा में उन्होंने जो है हाथ मिलाने के ऊपर थोड़ा सा गौर किया है. ओके, लेट्स गो फर्दर विद द नेक्स्ट स्टांजा. इन द थर्ड स्टांजा poet says, feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So, तीसरे stanza में बात करिए कि poet जो है अपने बेटे से कहता है कि लोग कहते तो हैं कि आप घर पर आए हैं, घर जैसा feel करिए, feel at home, वापिस आइएगा, लेकिन जब मैं एक बार जाता हूँ
ओके, दूसरी बार जाता हूँ ओके, लेकिन तीसरी बार जाते हैं तो घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि आज के पहले के टाइम, वो कंपेयर करना चाह रहा है कि पहले के टाइम पे जो मेहमान नवाजी होती थी बहुत ही आदर सद्भाव के साथ होती थी, कि मेहमान को ये भगवान माना जाता, लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई एक से दो से ज्यादा बार कोई आ जाता है तो उसे पर इरिटेट होकर उसको लाइक उसे कटना शुरू कर देते हैं। सो थर्ड स्टांजा में इसी की बात करी गई है, फोर्थ स्टांजा में आते हैं। सो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स सन, आई हैव लर्न टू वेयर मेनी फेसेस Like dresses. So, कह रहे हैं अपने बेटे से, कहता है लाइक बेटा इन सब के साथ साथ वैसे तो मेरे पहले कुछ और था, लेकिन मैंने भी टाइम के साथ काफी चीजें सीख ली हैं, मैंने भी जो है फेसेस चेहरे पहनना सीख लिया है, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे लोग अब चेहरे बदलते हैं, नियत बदलते हैं। होम फेस, होम फेस इन द सेंस लाइक घर में लोग कैसे रहते हैं, ऑफिस में अलग रहते हैं, स्ट्रीट फेस यानी अपने पड़ोसियों के साथ अलग बिहेव करते हैं, होस्ट फेस जब कभी पार्टीज वगैरह होस्ट करते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी होते हैं तो अलग बिहेव करते हैं। सो हर जगह जो है इंसान का अलग अलग नजरिए बर्ताव रहता है, जिसकी वजह से वो जेन्युइनिटी नहीं रहती, सो असलियत उसकी इंसान की नहीं रहती। सो यहाँ पे उसी के बारे में बात करिए, विद ऑल देयर कंफर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल। सो हर जगह जो है एक ही सेम चेहरा लेके खड़े होना मैंने सीख लिया है, जैसे किसी पिक्चर में कोई हंसता हुआ आदमी हो, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर मैं इन सब जगहों पे हंसता हूँ, आज के टाइम पे ऐसा होता है ना चाहते हुए लोगों को हंसना पड़ता है जहाँ पे हमारा मन सैड होता है, फिर भी हमें जो है अपने किसी न किसी मतलब के लिए या फिर किसी न किसी काम के लिए वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे इसने फोर्थ स्टांजा में ये बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टांजा की तरफ। In the fifth stanza, I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. यहाँ पे कह रहा है कि मैंने ये भी सीख लिया है क्या हंसना बिना मन के हंसना, जहाँ पे सिर्फ मैं अपने दांत दिखाता हूँ, हाथ मिलाना जहाँ पे बिना मैं अपने सिर्फ हाथ मिलाता हूँ बिना दिल मिलाए। सो यहाँ ये टोटली ऑपोजिट है पहले दूसरे स्टांजा के, जहाँ पे दिल से हाथ और हंसने की बात होती है, यहाँ पे बिना उसके जो उन्होंने अब सीख लिया। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिटर्न्स, के रिटर्न्स मींस पीछा छुड़ाना। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि देख मैंने गुड बाय कहना भी सीख लिया, और ऐसा गुड बाय जिसमें हमारा मतलब होता है पीछा छुड़ाना कि हाँ गुड बाय अब जाओ यहाँ से। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड and to say it's been nice talking to you after being bored. मैंने glad to meet you कहना चाहिए, आपसे मिलकर खुशी हुई कहना भी सीख लिया, जहाँ अभी ऐसे टाइम पे जाओ मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती, मैंने आपसे बात करके अच्छा लगा भी सीख लिया कहना, अभी ऐसा जब मुझे उनसे किसी से बात करके बोरिंग फील होता है। यहाँ पे सारा जो है टोटली फेक पर्सन वाला फीलिंग वाली बताइए कि मैंने यहाँ सारी ऐसी सारी चीजें सीख ली है जिसमें मैं फेक होता हूँ। यहाँ फोर्थ और फिफ्थ स्टांजा में, लेट्स गो फर्दर विद द नेक्स्ट स्टांजा, प्रोसीडिंग फर्दर विद द नेक्स्ट स्टांजा, बट बिलीव मी सन आई वॉन्ट टू बी व्हाट आई यूज टू बी। यहाँ पे जो फादर है वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि लाइक विश्वास करो मेरा, मैं वो बनना चाहता हूँ अब जो मैं पहले हुआ करता था। अच्छा पहले उसने बताया कि जो चीजें थी पहले दो साल बताया कि जो पहले जो चीजें थी वो नहीं रही है, हंसना लोगों का हाथ मिलाना गर्मजोशी से वो अब नहीं है, फिर वो बताता है कि लाइक वो जो है वो अब वो नए जमाने के साथ जो है वो भी ढल रहा, उसने भी सीख लिया था बिना मन के हाथ मिलाना, बिना मन से लोगों को मिलना, हाय गुड बाय करना। अब यहाँ पे कह रहा है काम रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं पहले था। व्हेन आई वाज लाइक यू I want to unlearn all these muting things. कह रहा है कि लाइक मैं वही बनना चाहता हूँ जैसे मैं पहले था जब मैं तुम्हारी एज का हुआ करता था, और मैं अब वो सारी चीजें लाइक भुलाना चाहता हूँ जो मैंने सीख ली है। म्यूटिंग यहाँ पे जो भी बेकार चीजें डेड चीजें जो उन्होंने सीख ली है, वो बिना मन से लोगों को मिलना या फिर जो वैल्यूज उन्होंने चेंज कर दिए टाइम के साथ, वो ये भुलाना चाहता है और ठीक पुराने जैसा बनना चाहता है। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So कह रहा है like सबसे ज़्यादा important जो है मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ कैसे हंसूँ जो मैं पहले हंसता था,
ओके, क्योंकि आज की जो मेरी हंसी है जो मैंने सीख ली है आज के हिसाब से, जो मुझसे मैं दांत दिखा के हंसने वाली हंसी है, जो बिना मन से जो मैं हंसता हूँ वो ऐसे जैसे सांप जो है अपने जो दांतों से काटता है, स्नेक्स बेयर फैंग्स जो काटने वाले दांत होते हैं उसके फन वाले वाले। सो सेम वे बोल रहा है कि जब मैं मिरर में देखता हूँ तो मेरे दांतों वाली जो हंसी होती है वो सांपों के दांत की तरह दिखती है बिना किसी अंदर की खुशी के। Next answer. So show me son how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So अपने son से request कर रहा है कि तुम मुझे दिखाओ कि मैं कैसे हंसता था, क्योंकि क्योंकि वो कह रहा है कि जो क्यों बेटा जो उसका है वो सेम उसकी एज का है जैसे जब वो हुआ करता था उस एज में। तो कह रहा है कि तुम मुझे हंस के दिखाओ कि मैं कैसे हंसता था, कैसे स्माइल करता था पहले के टाइम पे जब मैं तुम्हारी एज का था। इस वे में कहते हुए बच्चे से वो ये भी चाह रहा है कि उसका बेटा जो है वो भी उसकी तरह अडॉप्ट करे जैसे वो पहले वो करता था, उसका बेटा भी उसकी तरह बन जाए। सो ये था, ये थी जो पोयम वंस अपॉन अ टाइम बाय गैब्रियल ओकारा। इफ यू लाइक एंड अंडरस्टूड द पोयम एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स, आई मीन लाइक इफ एनी क्वेश्चन और क्वेरी, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियोस चाहिए तो वो भी बताएं, विल मेक ऑन दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।